नमस्कार, आप सुन रहे हैं नौ रूप नौ दिन नौ कथाएं अशोक हमराही के साथ। नवरात्र दिव्य शक्ति की साधना का पर्व है। प्रथमा से नवमी तिथि तक हर तिथि को माँ दुर्गा के अलग अलग नौ रूपों की पूजा की जाती है, जो अपने भक्तों को सुख, शांति, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कूष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी और नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्र का हर दिन देवी के इन्हीं विशिष्ट रूपों को समर्पित है। देवी भगवती का दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी का। नवरात्र के दूसरे दिन नवदुर्गा के इसी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है और माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल है। उनका शुभ्र, शांत और तेजमयी स्वरूप मनुष्य के जीवन में तप, त्याग, ज्ञान और सदाचार का संचार करता है। सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों का सहारा बनती है। देवी ब्रह्मचारिणी माता पार्वती का अविवाहित रूप है। ब्रह्मचारिणी संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है ब्रह्म के समान आचरण करने वाली देवी। देवी ब्रह्मचारिणी को कठोर तपस्या करने के कारण तपश्चारिणी भी कहा जाता है। भविष्य पुराण में माँ ब्रह्मचारिणी का वर्णन मिलता है। शिव पुराण और श्री रामचरितमानस में भी माता पार्वती को कठोर तप के बाद ब्रह्मचारिणी स्वरूप प्राप्त होने का वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार माता भगवती ने सती रूप में प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का तिरस्कार किए जाने पर माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया और शैलराज हिमवान के घर पार्वती के रूप में अवतरित हुई। एक दिन देवर्ष नारद राजा हिमवान के यहाँ आए। उन्होंने पार्वती जी को सती की कहानी सुनाई और कहा, तुम्हारा विवाह भगवान शंकर से होगा, लेकिन इसके लिए शिव जी को मनाना सहज नहीं है। तुम्हें बहुत ही कठिन तपस्या करनी होगी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महर्षि नारद ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः की दीक्षा दी। देवर्ष नारद की बात सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वन में जाकर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनके कठोर तप के संबंध में शिव पुराण में वर्णन है, हित्वा हारम तथा चर्म मृगस्य परमं धृतम जगाम तपसे तत्र गंगावतरणम प्रति। माता पिता की आज्ञा लेकर पार्वती ने सर्वप्रथम राजसी वस्त्रों और आभूषणों का परित्याग किया। उनके स्थान पर मूंज की मेखला धारण कर वलकल वस्त्र पहन लिया। हार को गले से निकाल कर मृग चर्म धारण किया और गंगावतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर तपस्या में बैठ गईं। मन और इंद्रियों का निग्रह कर पार्वती जी ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गईं और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई तन को तपाती रहीं। वर्षा काल में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल धारा से
शरीर को सींचती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के मध्य रात दिन बैठकर उन्होंने कठोर तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर माता पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः का जाप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में मन को लगाया। तपस्या के दौरान माँ ने अनेक कष्ट सहे, लेकिन वह अनवरत भगवान शिव की आराधना में डूबी रही। बाद में उन्होंने फलाहार लेना भी बंद कर दिया, वो केवल बेल पत्र खाकर तप करती रही। फिर उन्होंने वो भी त्याग दिया जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ गया। इस कठिन तपस्या से माता का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। माता की इस प्रकार कठिन तपस्या को देखकर देवता, ऋषि, मुनि सभी ने उन्हें ब्रह्म अर्थात तपस्या का कठोर आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी कहा। उनकी तपस्या को अभूतपूर्व और अति सराहनीय बताया और मां से कहा, हे देवी ब्रह्मचारिणी, आज तक इस तरह की कठोर तपस्या किसी ने नहीं की। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान शिव आपको पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। निर्जल निराहार रहते हुए माता तपस्या करती रही। हजारों वर्ष बीत गए। अब देवताओं को चिंता होने लगी। देवी के कठोर तप ने भगवान शिव का ध्यान खींचा। वो माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए अपना रूप बदलकर उनके पास गए, लेकिन देवी को उनके संकल्प से न डिगा सके। शिवजी उनके त्याग और कठोर तप से प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दिए और पत्नी रूप में स्वीकार किया। सती वियोग के कारण भगवान शिव को विवाह के लिए मनाना आसान नहीं था, परंतु माता पार्वती ने धैर्य नहीं छोड़ा। इस कथा का यही सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। नवरात्र की दूसरी तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, आराधना और कथा सुनने से मनुष्य में तप, त्याग और संयम की वृद्धि होती है। नमो नमो माँ ब्रह्मचारिणी, सब पर तुम्हारी कृपा महान, कभी न विचलित हो मन मैया, दो हमको ऐसा वरदान। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। अगर नौ रूप नौ दिन नौ कथाएं सीरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव यानी सजेशंस के लिए इंस्टाग्राम पर आकर हमें टैग करना और बताना ना भूलें @ashok_hamrahi।